माय चैनल शिप्रा गर्ग होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट डिश। तो हम जो स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, ये स्वीट डिश आप लोग कम से कम 15 दिन घर पर बना के रख के खा सकते हो और ये आराम से रहेगा, खराब भी नहीं होएगा और बनाना भी बहुत ही ईजी है, तो फटाफट बन भी जाएगा घर पर और घर पर आप आराम से बना सकते हो। तो आज हम जो स्वीट डिश बना रहे हैं वो स्वीट डिश का नाम है नान खटाई। तो वो हम नान खटाई बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसा बनाएंगे आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, तभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, नान खटाई बनाने के लिए पहले हमें एक बड़ा सा बाउल लगेगा। सबके सामने तो हमने पहले बाउल रख दिया है, तो ये बाउल में जाएगा। देखिए, एक कटोरी हमने लिए है सूजी, ये सूजी हम डाल देते हैं। एक कटोरी का एक माप रखने का, उसका ही माप से लेने का। तो ये कटोरी सूजी लिए है, तो ये हम अभी इसमें डाल दिए है। सूजी हम एक बाउल में डाल दिए थे, वो हम ट्रांसफर करके दूसरे जगह में रख दिए है। पहले हम ले लेते हैं दूध। देखिए, ये हमने जो एक कटोरी सूजी लिए है, आप देख सकते हो, एक कटोरी का हमने दो कटोरी दूध लिए है और दूध थोड़ा सा गर्म है, या जैसा आप उंगली टच कर सकते हो ऐसा गर्म हमें चाहिए दूध। ये हमने दो कटोरी दूध लिए है और इसमें जाएगा, देखिए, ऐसा टेबल स्पून हमने लिए है। एक टेबल स्पून का हमने 4 टेबल स्पून घी लिए है, तो घी भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, एकदम हम बनाएंगे, इजी तरीके से बना के दिखाएंगे। कोई ओवन का ज़रूरत नहीं है, कोई भट्टी का भी ज़रूरत नहीं है, गैस पर आप लोग आराम से बना सकते हो और ये फटाफट इजी तरीके से बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो घी और दूध डाल दिए हैं इसमें जाएगा शक्कर। तो ये हमने आधा कटोरी शक्कर ले लिए हैं, तो शक्कर हम इसमें डाल देते हैं। स्वीट का आप लोग जैसा खाओगे वो हिसाब से आप डाल सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिला देना है, एकदम अच्छी तरह मिलाना है। तो दूध के साथ में और शक्कर के साथ में अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिए हैं। अभी हम एक एक करके डालेंगे। ये जो सूजी लिए हैं, एक कटोरी हम सूजी डाल देते हैं और हमने लिए है आधा कटोरी आटा। तो आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हो, हम आटा डाल रहे हैं। आटा इसलिए डाल रहे हैं, इसका कलर एकदम बढ़िया आएगा, इसीलिए हम आटा डाल रहे हैं। और इसमें जाएगा, ये हमने 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिए है, ये आप देख सकते हो, ये मिल्क पाउडर डाल देते हैं। ये डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, मिल्क पाउडर डालने से। और इसमें जाएगा थोड़ी सी, हमने काजू और बादाम को ऐसा छोटे छोटे कटिंग करके ले लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और हमने लिए है, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए हमने लिए है ये छोटा इलायची का पाउडर, ये हमने 1/2 टेबल स्पून के जैसा लिए है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, यानी कि मीठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक जाएगा ही जाएगा, तभी इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। अभी हमें क्या करना है, सारे चीज़ों को अच्छी तरह हाथों के मदद से मलना है, ऐसा जैसा आटा का डो लगाते हो इसी तरह लगाना है। तो ये आप देख सकते हो, आटा के जैसा हमने डो बना लिए हैं, इसी तरह बना के लेना है, इससे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा सख्त। तो अभी इसे हमें क्या करना है, 10 मिनट कम से कम रेस्ट पे रखना है, उसके बाद हम मिलते हैं। 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं क्योंकि इसमें सूजी डाला है, तो सूजी पानी सोखेगा और भी ये थोड़ा सा सख्त होएगा तभी ये अच्छा बनेगा। तो चलिए, ये ढक के हम 10 मिनट रख देते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देखिए, ये आटा एकदम बराबर सेट हो गया है, देखिए एकदम लूज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बराबर है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा मिक्स करना है, ज़्यादा मलना नहीं है, थोड़ा ऐसा मिक्स करना है बस, और कुछ नहीं। तो मिक्स कर लिया है, थोड़ा ऐसा लेना है पेड़ा जैसा, लेके ऐसा गोल करके आप जैसा शेप दे सकते हो, गोल बना सकते हो, चपटा बना सकते हो, जैसा आप शेप दे सकते हो आपके ऊपर है। देखिए, ये इसी तरह करके बना के लेना है। तो चलिए, इसी तरह बना के ले लेते हैं। तो इसी तरह गोल बना के थोड़ा सा चपटा करके आप डिजाइन बना सकते हो। देखिए, इसी तरह छानता तो सबके घर में है, छानने वाला ये है, तो इसी का पीछे से आप ऐसा दबा दीजिएगा। देखिए, एकदम मस्त डिजाइन बन जाएगा, देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बन गया है। तो इसी तरह करके बना के लोगे तो बढ़िया लगेगा देखने में।
चलिए किसी तरह बनता है। और भी हम एक बना के आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसी तरह एक पेड़ा लेना है, गोल करके थोड़ा सा ऐसा चपटा कर दीजिएगा देख के, और छानने वाला इसका पीछे से लेके ऐसा दबा दीजिएगा, मस्त डिजाइन बन जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम पूरा बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो सारे हमारा बना के रेडी हो गया है। देखिए ये भी बना के रेडी हो गया है, एक छोटा सा थाली में ये भी बना के रेडी हो गया है, तो अभी हम फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया है और तेल भी देखिए गर्म हो गया है, इसी तरह गर्म करके लेना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तेल हल्का गर्म होएगा तभी इसे बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो तेल हल्का गर्म हुआ है, एक एक छोड़ देते हैं इसी तरह, देखिए इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं, और ये फूल के अपने आप ऊपर आएगा, इसे चलाने का जरूरत नहीं है। इसी तरह पकने देते हैं। तो आप देख सकते हो अपने आप ऊपर आ रहे हैं, अभी हमें इसे इसी तरह टर्न करना है, वो साइड भी इसी तरह हमें पका के लेना है अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हो इसी तरह फ्राई करके लेना है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो करके फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए इसी तरह पूरा सब हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद प्लेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो नान खटाई हमारा एकदम तैयार हो गया है एकदम, देखिए आवाज़ सुन रहे हो आप लोग कितना क्रंची बना है, एक हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं, देखिए अंदर का देखिए कितना बढ़िया बना है, एकदम खस्ता बना है, एकदम खस्ता बना है। तो आप लोग घर पर ज़रूर ये ट्राई कर सकते हो एक बार, और ये बनाना एकदम ईजी है, और ऐसा बना के आप एयर टाइट जार में भी रख सकते हो, देखिए इसी तरह ये ढक्कन वाला टाइट करके आप रख सकते हो घर में, कम से कम 15 दिन आराम से रहेगा। तो इसी तरह आप लोग एक बार बनाइए खाइए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए।